शिव बारात में मोबाइल चोरी के आरोप में 4 गिरफ्तार। देवघर में महाशिवरात्रि के दौरान लाखों की संख्या में शिव बारात निकली थी। इस दौरान झारखंड, बिहार, बंगाल के अलावा अन्य राज्यों के लाखों की संख्या में श्रद्धालु बारात में शामिल होने आए थे। शिव बारात के दौरान काफी संख्या में मोबाइल पर्स चोरी करने वाले चोर भी आया था। 17, 18 व 19 फरवरी के दौरान नगर कुंडा व बाबा मंदिर थाना क्षेत्र से लगभग 305 मोबाइल की चोरी की गई थी, जिसके विरुद्ध एसपी सुभाष चंद्र जाट ने विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 15 मोबाइल एवं चोर को हिरासत में लिया। जांच पड़ताल के दौरान हिरासत में लिए गए 8 संदिग्ध युवक के पास से किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिल पाया, जिसे हिरासत में लिए गए संदिग्ध युवक के परिजनों को बुलाकर पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया। वहीं अन्य 8, जिसमें 4 नाबालिग बच्चे शामिल है, सभी के पास से चोरी करने का साक्ष्य मिला है, जिसके आधार पर जब्त की सूची बनाकर सोमवार को 4 मोबाइल चोर को केंद्रीय कारा भेज दिया। वहीं 4 नाबालिग को बाल सुधार गृह दुमका भेजने की तैयारी में जुटे थे। उक्त बातों की जानकारी एसडीपीओ पवन कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। गिरफ्तार मोबाइल चोर, जिसमें आलोक कुमार मिश्रा और 20 वर्ष पिता शंभुनाथ मिश्रा दुर्गाबाड़ी हरदला कुंड, अजय सिंह उम्र 19 वर्ष पिता कन्हैया सिंह पश्चिम बंगाल पुरुलिया काली तत्ताला बलरामपुर, तारा सिंह उम्र 28 वर्ष पिता अमर सिंह जो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला अंतर्गत पांडेसर थाना, विक्की कुमार 22 वर्ष पिता संजय वर्ष पासवान जो बिहार के बेगूसराय जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के संघेल का रहने वाला है। वहीं अन्य 4 नाबालिग किशोर बिहार के बेगूसराय अंतर्गत सिंघेल का रहने वाला है, जिसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। 18/2/2023 को शिव रात्रि के उपलक्ष्य पर शिव बारात निकाली गई थी, जिसमें टोटल 100+ मोबाइल चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त मोबाइल के डाटा विश्लेषण के आधार पर हम लोगों ने कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 विधि विरुद्ध कुशोर हैं और 4 लोग हैं, जिनको हम लोग आज माननीय न्यायालय में प्रेषित कर रहे हैं।